हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द कॉज ऑफ पेप्टाइजेशन। सो द की कॉन्सेप्ट इज द की कॉन्सेप्ट इज पेप्टाइजेशन, पेप्टाइजेशन। सो क्या होता है कि अगर हम किसी इलेक्ट्रोलाइट को अगर हम किसी इलेक्ट्रोलाइट को फ्रेशली प्रिपेयर्ड फ्रेशली हियर वी कैन राइट हमारे पास क्या है फ्रेशली प्रेसिपिटेटेड फ्रेशली प्रेसिपिटेटेड सब्सटेंस है और इस सब्सटेंस में हम क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हैं एडिशन ऑफ एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट अब जब हम किसी इलेक्ट्रोलाइट को यहां पर ऐड कर रहे हैं तो क्या होता है जो जो uh, मतलब एक पर्टिकुलर टाइप के जो आयंस होते हैं ना वो प्रेफरेंशियली एड्सॉर्ब हो जाते हैं उस सरफेस के ऊपर सो हियर वी कैन राइट द पार्टिकल्स द पार्टिकल्स ऑफ द प्रेसिपिटेट, ऑफ द प्रेसिपिटेट ऑफ द प्रेसिपिटेट प्रेफरेंशियली, प्रेफरेंशियली एड्सॉर्ब एड्सॉर्ब वन पर्टिकुलर टाइप वन पर्टिक्यूलर टाइप ऑफ आयंस, वन पर्टिकुलर टाइप ऑफ आयंस ऑन दी इलेक्ट्रोलाइट ऑन द इलेक्ट्रोलाइट यार इट इज ऑन द इलेक्ट्रो किसी इलेक्ट्रोलाइट पे पर्टिकुलर टाइप के आयंस एड्सॉर्ब हो चुके हैं अब उसके रिजल्ट्स में क्या होएगा वो डिस्पोज हो जाएंगे क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रोस्टेटिक रिपोल्शन प्रेजेंट है सो दे गेट डिस्पोज दे गेट ड्यू टू ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टेटिक रिपोल्शंस इलेक्ट्रोस्टेटिक रिपोल्शन रिपोल्श और वो क्या करते हैं इसके मतलब Uh, this is why this gives this gives the this gives the particles of colloidal size particles of colloidal size so this is how we can explain the cause of peptization hope you understood it well best of luck and thank you